बनाने जा रहे हैं समर नाइट क्रीम। इसमें जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश एलोवेरा। व्यूवर्स, मैं आपके साथ सबसे पहले एलोवेरा के फ़वाद शेयर करूंगी। एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल है जिसकी वजह से ये एक्नी और पिंपल्स को दूर करता है। इसके अलावा एलोवेरा गर्मियों में हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसके साइड्स हम उतार लेंगे। व्यूवर्स, समर में हमारी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो एलोवेरा उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो मॉइस्चराइज भी करेगा आपकी स्किन को और सॉफ्ट भी करेगी। आप एलोवेरा को इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जस्ट 2 टेबलस्पून एलोवेरा हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून बलाई रिक्वायर्ड है। ये आप फ्रेश मिल्क से ले सकते हैं। इसमें हम जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था एलोवेरा उसको ऐड करेंगे। और जो 3rd इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई। ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। ये जस्ट हम इसमें 2 ऐड करेंगे। ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। जी, अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी समर नाइट क्रीम तैयार हो जाएगी। जी, अब हम इसको ग्राइंडर में ऐड करेंगे। जी व्यूवर्स, हमारी नाइट क्रीम रेडी है। हम इसको निकाल लेंगे। ये बटर की फॉर्म में होगी और आप इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। आप ज़्यादा भलाई यूज़ कर लें और इसमें जो है एलोवेरा की अमाउंट भी बढ़ा दें तो ये ज़्यादा तैयार हो जाए। जी व्यूवर्स, हमारी नाइट क्रीम रेडी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, फेस वॉश कर लेंगे, उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे।